एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो आज का जो हमारा ब्लॉग होने वाला है वो है न्यू दिल्ली टू कुरुक्षेत्र हरियाणा। तो अभी सुबह का टाइम है, तो अभी हम बस से तो नहीं जाएंगे, तो हम सबसे पहले फ़ोन तो एक ही है जिससे अभी मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो इससे सबसे पहले क्या करते हैं, ओला को बुक कर लेते हैं, उसके बाद हम ओला से ही चलेंगे। तो हम दो मिनट में बुक करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो यार हमारा ओला तो बुक हो गया और अभी 3 मिनट का टाइम दिखा रहा है, तो हमारे लोकेशन पर 3 मिनट में पहुँच जाएगा। तब तक हम यहीं पर वेट कर लेते हैं, क्योंकि यार दिल्ली में ना 2 दिन से बारिश भी हो रही है। तो हमने सोचा यार क्या बस में जाना, फिर टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 9 बजे की हमारी ट्रेन है। तो हमने ओला बुक कर लिया और अभी 3 मिनट में हमारे लोकेशन पे आ जाएगा, तो तब तक हम यहीं पे वेट कर लेते हैं, जैसे ही आएगा वैसे हम लोग चलेंगे। गलत लोकेशन पे आ गया, क्योंकि मैंने जो लोकेशन डाला था वो तो सही था, लेकिन शायद हो सकता है ओला से बुक किया हूँ तो गलत लोकेशन ले लिया होगा। तो अभी हमने रेलवे स्टेशन के बैक साइड पहुँच गए, ये देख रहे हो ये रेलवे स्टेशन का बैक साइड है और हम लोग अभी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अब यहाँ से हम फिर से सीधा जा रहे हैं जहाँ से मेन एंट्री है ना सामने से, तो वहाँ हम जा रहे हैं। इस साथ में हमारे भैया भी हैं, गाड़ी में भी थोड़ी परेशानी हो गई है, पता नहीं क्यों नट वट खुल गया है। तो अभी चलते हैं, अभी तो टाइम है हमारे पास, 8:30 भी नहीं हुआ है, हम तो पहुँच जाएंगे आराम से, क्योंकि 9 बजे की हमारी ट्रेन है। तो अभी यार हम तो नई दिल्ली पहुंच चुके हैं और अभी सबसे पहला जो हमारा काम है ना वो है टिकट बनाना, क्योंकि हमारे पास टिकट है नहीं, तो हम वेटिंग टिकट बना लेते हैं। और यार लोकेशन भी गलत डाल दिया था, तो 10 मिनट हमारा वैसे भी ख़राब चला गया, क्योंकि हम ना ये रेलवे स्टेशन के बैक साइड पहुँच गए थे। तो फिर से मैंने उसको बोला कि यार अलग से पैसे ले लेना, चलो मुझे को छोड़ दो, तो उसने मुझे छोड़ दिया है। तो अभी हम लोग पहले सबसे पहले ना लाइन में लग के वेटिंग टिकट बना लेते हैं। I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made life. मैं यार टाइम से पहले पहुंच गया, क्योंकि अभी ना टाइम 8:30 ही हो रहा है और हमारी ट्रेन 9 बजे और हमारी जो ट्रेन आएगी ना वो यहीं पर आएगी। अभी ये पूरा खाली है और अभी आधा घंटा है, क्योंकि 9 बजे के ना और अभी जो टाइम है 8:30 हुआ है, तो तब तक हम वेट करते हैं। दिल मेरा। चलो यार हमारी ट्रेन आ गई है, बहुत दूर में देख रहे हो, वहाँ बहुत दूर, अभी नहीं दिख रहा होगा दूर में, लेकिन धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि टाइम हो गया 9:45 तो हो ही गया। देखो सामने हमारी ट्रेन आ गई है। चलो यार हमारी ट्रेन तो यहाँ पे अभी लग गई है और अभी हम देखते हैं किस में बैठेंगे, जिसमें खाली होगा ना हम उसी डब्बे में घुस जाएंगे, क्योंकि हमारा तो सेकंड स्लीपर है, किसी में भी घुस जाएंगे, हमें तो कोई सीट मिला हुआ है नहीं, जिसमें देखेंगे कम भीड़ है उसी डब्बे में घुस जाएंगे। फिलहाल अभी तो यार बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, एक भी डब्बा खाली नहीं है, सारे डिब्बा फुल हैं पहले से, ये डब्बा भी फुल है। फिलहाल ये तो खाली लग रहा है, खजुराहो टू कुरुक्षेत्र D9। तो हम फिलहाल इसी डब्बे में चले जाते हैं, क्योंकि यार सारे डब्बे से ना इसमें थोड़ी भीड़ कम है, तो इसी में हम लोग जाते हैं। पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। अब यहाँ से जो हमारा रास्ता है वो 2 घंटे का है, क्योंकि 2 घंटे लगेंगे हम लोग कुरुक्षेत्र जाने में। ओए ओए ओ चुरा के दिल तेरा। अब यार कहीं पे सीट ढूंढते हैं और बैठते हैं, क्योंकि 2 घंटे का सफर है, सीट मिल जाए तो अच्छा है, वहाँ से ढूंढते हैं। फिलहाल यहाँ पे तो एक सीट खाली है, ये भी खाली है। हम दूर भागे तेरे बिना। ट्रेन में यार ज़्यादा भीड़ है नहीं, क्योंकि मेरा भी सेकंड क्लास का था, मैंने तो अभी टिकट बनाया, चलो एक सीट भी मिल गई, अब बैठे बैठे जाएंगे। गाए हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात न पाए चैना, सुन लेना तुम्हें चाकर भी न चाहे, करे जो मन मानिए मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। सुना सफर पर प्रेम नगर है। तो अभी यार हम पहुंच चुके सोनीपत और पिछले 1 घंटे में अभी तो हम सोनीपत पहुंचे और यहाँ से अभी ना 1.5 घंटे लग जाएंगे कुरुक्षेत्र पहुंचने में। मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना, छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे छुपा छुपाई।
स्टेशन आ गया है, 15 मिनट लेट हूँ। अब तो अब जाके यार हम लोग कुरुक्षेत्र स्टेशन पे उतरे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा बड़ी स्टेशन है नहीं, बस दो ही प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो अब जाके उतरी है, 15 मिनट लेट थी ट्रेन हमारी। अब हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर बस पकड़ना, क्योंकि यहाँ से ना हमें 30 किलोमीटर दूर जाना है। अब तो जब भी आप कुरुक्षेत्र आओगे ना, तो दो तरफ से एग्जिट है, एक इधर से भी हमारा एग्जिट है, एग्जिट पॉइंट, और दूसरा हमारा उस साइड से भी एग्जिट है। इस स्टेशन पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी स्टेशन नहीं है, छोटी सी स्टेशन है, तो इसलिए इतना भीड़ नहीं होती है। अभी हम एग्जिट करेंगे यहाँ से। तो आप भी जब कुरुक्षेत्र आओगे ना, तो हमारा जो एग्जिट होता है ना, वो यहाँ से होता है, और एक उस साइड से भी एग्जिट होता है, बट अभी हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि अभी हम ना बाहर जाएंगे, फिर वहाँ से हमें बस स्टॉप पे भी जाना है, फिर वहाँ से हमें बस भी पकड़ना है। और वहाँ पर जो आपको दिख रहा है, वो सारे टिकट काउंटर है। यदि आप यहाँ पर आओगे ना, जितनी भी टिकट काउंटर होती है, इंक्वायरी होती है, वो सारे वहाँ पर होती है। तो फिलहाल हम यहाँ से अभी बाहर निकलते हैं। जब आप कुरुक्षेत्र स्टेशन के बाहर आओगे ना, तो कुछ ऐसा नज़ारा आपको दिखता है बाहर से। अब यहाँ से हमें 30 किलोमीटर और भी आगे जाना है, फिर होगा। तो यहाँ पे कई सारे ऑटो लगे होते हैं, तो आप यहाँ ऑटो वाले से बात करके आपको जहाँ भी जाना हो आप जा सकते हैं। तो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से ना बस स्टॉप काफ़ी दूर है, तो यदि आप आओगे ना कभी भी, तो आपको ना ऑटो से या फिर रिक्शा से आना चाहिए। वो 20 रुपये भाड़ा लेगा, फिर आपको वहाँ तक छोड़ देगा। तो आपको ऑटो से या रिक्शा से ही आना चाहिए। और आपको मैं बता देता हूँ कि मैं यहाँ आया क्यों। तो एक्चुअली मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे घर आया छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा मेहमान, मेरा मतलब है मेरा प्यारा भतीजा, उसी का स्वागत करने आया हूँ, उसी को देखने आया हूँ। और आपको भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन इस ब्लॉग में नहीं, आने वाले अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। बाय।